चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। नागपंचमी के अवसर पर यूनिक स्टार यश कुमार की फिल्म कसम पैदा करने वाली को आज मुंबई और गुजरात के सभी सिनेमाघरों में बम्पर ओपनिंग मिली है। पराग पाटिल द्वारा निर्देशित और दीपक शाह निर्मित फिल्म कसम पैदा करने वाले के लोगों ने खूब सराहा है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उत्साहित के साथ फिल्म के निर्माता दीपक शाह और निर्देशक पराग पाटिल का कहना है कि फिल्म कसम पैदा करने वालों में जबरदस्त एक्शन और रोमांस का तड़का लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दर्शकों को यश कुमार, रितु सिंह और निधि झा के साथ रोमांस बेहद ही ज्यादा पसंद आया है। आपको बता दें कि तन्वी मल्टीमीडिया के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में नयापन लाने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया गया है, जिसमें यश कुमार के साथ एक कुत्ता और एक बंदर भी उनके को स्टार के रूप में दिखाया गया है। यह फिल्म सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ है जब जानवरों को भी फिल्म के मुख्य भूमिका में रखा गया है। वहीं फिल्म के अभिनेता यश कुमार कहते हैं कि यह काफी अलग फिल्म है जो लोगों को पसंद आ रहा है। इस फिल्म में मेरे साथ एक कुत्ता और एक बंदर है और मैं एक मदारी की भूमिका में हूँ। इंसान के साथ अभिनय करना तो फिर भी आसान है, मगर जानवरों के साथ काम करने के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा अलग और नया करने में विश्वास रखने वाले यश कुमार की फिल्म कसम पैदा करने वालों में रोचक पटकथा के साथ दर्शकों को फिल्म में कई सारे नए एक्शन सीन देखने को मिल रहे हैं। फिल्म में यश कुमार के साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं अवधेश मिश्रा, निधि झा, रितु सिंह, सुजन सिंह, मनोज टाइगर, माया यादव आदि मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।